हालात में एक चाचा ने रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी भतीजी का रेप किया। जब वह गर्भवती हुई तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए मुकदमा दर्ज कर नाबालिग किशोरी का मेडिकल कराते हुए आरोपी चाचा की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की युवती परिवार के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में रहती थी, वहीं उसका चाचा भी रहता था, जिसके चलते चाचा का घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान चाचा ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए किशोरी संग जबरन संबंध बना लिए। वह घर में किसी को न बताए इसको लेकर हमेशा उस पर दबाव बनाता रहा, लेकिन इसी दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ तब परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई। उन्होंने किशोरी से पूछा तो घबराकर किशोरी ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दे दी। वहीं परिजन हरियाणा के गुरुग्राम के थाना शास्त्री नगर में शिकायत लेकर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने अपराध संख्या शून्य पर मुकदमा दर्ज कर मामले को उत्तर प्रदेश के सिकंदरा स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद सिकंदरा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी चाचा की तलाश भी शुरू कर दी है। वही किशोरी को कानपुर देहात के जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।